लेके आपके लिए ओल्ड क्रेटा, ये हमारी ओल्ड क्रेटा रहने वाली जिसमें हमने पूरा इंटीरियर किया है। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर, दिखाता हूँ गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है। आज लेके हम आपके लिए क्रेटा, ये हमारी ओल्ड क्रेटा रहने वाली है। काफी टाइम बाद हम ओल्ड क्रेटा लेके आए हैं। थोड़ा सा इसमें भैया हमने देख रहे हैं ये चीज हमने चेंज की है ना, चेंजेस होगा। गाड़ी तो क्रेटा कई सारी होगी लेकिन इसमें थोड़े चेंजेस लेकर आए। चेंजेस मतलब इंटीरियर तो एक जैसा ही है लेकिन इसमें क्या है कि पूरा का पूरा हमने इसके कलर कॉम्बिनेशन वही है हमारा, ठीक है। थोड़ा सा वुडन कॉम्बिनेशन हमने इसमें चेंज किया। और ये भी जैसे मैं देख रहा हूँ ये थोड़ा टेक्सचर्ड वाला जैसे आपने अलग किया है। तो इस बार जैसे भैया बता रहे हैं ये चीज जो अलग की गई है भैया, ये थोड़ा सा इसमें हैवी मटेरियल यूज किया हुआ है कस्टमर रिक्वायरमेंट के ऊपर। जैसे अगर आप चाहते हो कुछ हैवी मटेरियल लेना है, ठीक है, तो अलग से वो भी करवा सकते हैं। इसके साथ मटेरियल कुछ प्योर लेदर फील में दिया हुआ, टू इंच शेड में थोड़ा सा। और उसके बाद ये हमने पूरा का पूरा वुडन थोड़ा सा इसमें चेंजेस किए। थोड़ा सा कार्बन वुडन जैसे ब्लैक वुडन होता है उसमें लिया। यहाँ हमने पियानो ब्लैक लिया पूरा का पूरा। और ये वाला पीस भी हमने जो वुडन पीस है पियानो ब्लैक। डोर की जो पूरी लुक है ना इस बार तो बिल्कुल ही अलग हटके हो गई। थोड़ा सा मैं आपको दूर से दिखाता हूँ तो आपको एक पूरा डोर का जो है एक व्यू आपको जो है इस टाइप का रहने वाला है डोर का। और अब हम चलते हैं सीट्स की तरफ। तो सीट में भी इस बार हमने इसमें हैवी मटेरियल यूज किया है। वही पूरा सीट में हुई है, फैब्रिकेशन सारी जगह एक ही हुई है, कोई फर्क नहीं हुआ। टू शेड का वही फैब्रिकेशन हुआ इसके अंदर। बाकी बैठ करते हैं, बैठ के गाड़ी में बताता हूँ क्या हुआ। बाकी ये हमारा डैशबोर्ड रहने वाला है, पूरा डुअल टोन किया गया इसको, ब्लैक और जो हमारा टैन कलर है लग्जरी गाड़ियों में पॉश इंटीरियर जो हम कहते हैं वो बनाया गया इसमें। और 70 मैटिंग हुई है इसमें। गाड़ी के अंदर बैठते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं गाड़ी में जो है क्या क्या काम हुआ। थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं इसमें भी। तो आगे मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ गाड़ी के अंदर बैठ के ना, एक जो व्यू आ रहा है आप देख सकते हो, रॉयल फील आ रही है, बहुत ही बढ़िया जो है। और ये हमारी जैसे आपने देखा ये ओल्ड क्रेटा का इंटीरियर है। तो काफी गाड़ी को जो अच्छे तरह से अंदर से बिल्कुल एक कहते ना नई बना दी गई है, बिल्कुल नई बन गई है भैया। और प्लस जैसे आप देखो तो यहाँ पूरी की पूरी इस बार हमने लेदर की जगह कोटिंग की गई, कलर कोटिंग की गई है। यहाँ पर बढ़ाई ये कॉर्नर में जो एसी की ग्रिल है इसको पूरा का पूरा पियानो ब्लैक में कन्वर्ट किया हुआ है। ऊपर आते जो स्टीरियो का फ्रेम कंपनी फील्ड है पूरा का पूरा, इसको हमने पूरा पियानो ब्लैक में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर जो ये एसी कंट्रोल वाले जो क्लाइमेट वाले गए इसको भी हमने पियानो ब्लैक में कन्वर्ट किया है। डिटेलिंग अगर आपको दिखाएं तो नीचे तक की डिटेलिंग जो दिखाने वो पूरा पियानो ब्लैक में कन्वर्ट है। ये पूरा कोटिंग की गई है। यहाँ पर आते हैं तो इसको भी हमने वुडन के साथ मैचिंग में लिया हुआ पूरा का पूरा। ये पीसेज आप देख रहे हैं बिल्कुल एक मतलब एक जो छोटी छोटी चीज है ना डिटेलिंग वाली। लेदर का जो स्टेयरिंग पूरा देखिए, इसमें फील देखिए, मतलब एक फैब्रिकेशन की जो चमक है वो भी एक अलग है और फील है। ये भी पूरा का पूरा हमारा सेम कलर कोटिंग में किया गया। पियानो ब्लैक यहाँ पूरा यूज किया हुआ है, यहाँ पूरा का पूरा। और पिलर की बात करें तो ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा पूरा का पूरा ये सारा ब्लैक कॉम्बिनेशन में अपर लिया हुआ है। इवन जिसकी छत में अभी स्टारलाइट नहीं करी इसमें हमने, बट इसकी छत भी पूरी की पूरी ब्लैक कॉम्बिनेशन में करी है। ये पूरा का पूरा जितना भी पीसेस लगे हुए जितने आप देख रहे हो ये सब ब्लैक में कन्वर्ट किए हुए हमने। तो सो मतलब इसमें क्या है कि इंटीरियर में कॉम्बिनेशन लिया पूरा का पूरा हमने। इसमें मतलब इस बार स्टार लाइटिंग नहीं, इसको सिंपल रखा गया। स्टार लाइटिंग में भी डोर में हम आपको बता ही चुके हैं जो सेम डोर है फील, मतलब एक डोर भी अगर आप देखो बैठे हो एक डोर बैठे इनसाइड बैठने के बाद भी ना ये जो फील है ना वुडन वगैरह की वो एक काफी अच्छी है। मतलब एक क्रेटा वाली फील नहीं देती गाड़ी में कि आपको फील देती है लग्जरी सेगमेंट की। ये लग्जरी सेगमेंट है पूरा का पूरा। इधर हम आमरेज की बात करें तो आमरेज भी पूरा हमने इसमें सेम लेदर में रैप किया हुआ। और मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, डिटेलिंग है, हर एक चीज है, कलर कॉम्बिनेशन हर एक चीज पूरी मिस मैच कहीं नहीं हुई है, बिल्कुल मैच करके की है। आपको पीछे लेके चलता हूँ, पीछे दिखाता हूँ एक बार गाड़ी के अंदर। तो ये देख सकते हो अगर हम बैक डोर पे आते हैं तो ये देख लो हमारा बैक डोर इसी तरह है। यहाँ जो थोड़ी सी हाई क्वालिटी का जो है लेदर टाइप जो पीओ यूज किया गया है। और ये हमारा वुडन रहने वाला है। उसके अलावा ये जो हमारा इसमें आता है बिल्कुल कंपनी से जेन्युइन वाला कारपेट यूज किया गया इसमें। तो पीछे से एक बार आप लुक देख लो गाड़ी किस तरह की रहने वाली है। और ये रहने वाले हमारे सीट कवर जो मैंने आपको दिखाई दिया 70 मैट डले। और ये हमारे पीछे का एसी होता है उस पर भी जो आप ये देख सकते हो पियानो फिनिश दी गई, पियानो ब्लैक किया गया। तो और पीछे से अगर आप व्यू देखोगे तो ये रहने वाला हमारा इंटीरियर जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक ग्लिम्स में आप इंटीरियर की ग्लिम्स देख लो, एक झलक जो कहते हैं ना वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सारा हो गया हमारा। और अगर पीछे आते हैं तो ये देख सकते हो आप ये गाड़ी में सिस्टम भी लगा हुआ है। गाड़ी में हमने कॉम्पोनेंट स्पीकर लगाए हैं, बूफर लगाया है, एम्पलीफायर लगाया है। तो सिस्टम की डिटेलिंग हम इतनी मतलब वीडियो लंबी ना हो इसलिए ज्यादा चीजें नहीं बता पाते कि क्योंकि क्या होता है आप भी बोर हो जाएंगे वीडियो में, क्योंकि बोर मीन्स की लंबी वीडियो देखना हर कोई पसंद नहीं करता। शॉर्टकट में तो इसलिए कॉम्पोनेंट लगे हैं, कोएक्सल लगे हैं, बूफर लगा हुआ है, गाड़ी के अंदर डैम्पिंग हुई है, प्लस ये इधर कोटिंग कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा है। गाड़ी के नीचे डिक्की तक का जो पार्ट है पूरा इसमें नीचे तक का देखिए, यहाँ तक दिख रहा है, देखो नीचे तक कोटिंग। हाँ जी, मतलब कोई भी चीज छोड़ी गई हमारा पोर्शन है, ये हमारा ये मतलब छोटा सा पार्ट है। तो ये सारा जो है क्रेटा में काम हुआ है और ये आर के हम ऑटो गैंग या देख सकते हो करोल बाग में पड़ता है। तो ये सारा काम आप भी आ सकते हो, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप भी बात कर सकते हो भैया से अगर आप भी गाड़ी में कुछ ऐसा काम प्लान कर रहे हो। तो ये सारा जो है हमारी हुई है क्रेटा, या एक लुक देखो यहाँ से कितनी प्यारी लग रही है क्रेटा हमारी।